अरे अब तो सिर्फ 2-3 घंटे रह गए बेटी, भवानी शंकर जी बारात लेके आते ही होंगे। चल उनके आने से पहले यहाँ से भाग चलते। चल अरे राम प्रसाद अभी तक नहीं आया तो आके करेगा भी क्या? चल, चल, चल। नहीं पिताजी, मैंने उन्हें वचन दिया है उनके आने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चल ओह चल चल चल। देखो जी सामान उतारो जी। उसके बाद गाड़ी लेकर जंगल में कहीं छिपा दो। हाँ। और तुम यहीं रहो, जाओ। अच्छा जी। राम प्रसाद बेटा जी, सर तुम संभालो सब, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर बैठता हूँ। आइए पंडित जी आइए। अरे भलुआ जी, मैं जाते वक्त ठेकेदार से कह के गया था पंडाल कुर्सी कुछ लाया नहीं अभी तक। अभी सब आ जाएगा। अच्छा तुम सामान उतारो। अच्छा सर। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर भी क्यों मुझे लगता है डर। भवानी शंकर जी, शादी में अभी 2 घंटे की देर है, इतनी जल्दी तैयारी क्यों? पंडित मैंने क्या कहा था? मंत्र पढ़ने के सिवा हमेशा मुंह बंद रखोगे। माफ कीजिए गलती हो गई। फिर से मुंह खोला, मुंह बंद। याद है ना 2000 रुपया मिले हैं, शादी के बाद फौरन काशी चले जाओगे 1 साल के लिए। सर आओ आओ राम प्रसाद। न जाने क्यों बड़ी घबराहट हो रही है। सर घबराने की क्या बात है, और आपको तो शादी का तजुर्बा है। श्रियांग सी बहु विज्ञानी, अच्छे काम में बहुत बाधाएं आती हैं राम प्रसाद। नहीं नहीं सर, जहाँ पैसा होता है वहाँ बाधा आ ही नहीं सकती। प्रसाद। हाँ सर। कैसा लग रहा हो? बिल्कुल दुला लग रहे हैं सर। अब सिर्फ एक ही चीज की कमी है। वो क्या सर? सब बंदोबस्त है मेरे पास। देखो इसमें चंदन है, शादी से पहले ये मुंह पर लगा देना। जी हाँ जरूर लगा दूंगा। डिक्की खोलो, चल चल जल्दी करो। राम प्रसाद ये सुमी कहाँ से आ गई? सर सुमी की नानी भी आ गई। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। ये क्या हो गया राम प्रसाद, क्या हो गया ये? आप बिल्कुल ठीक कहते थे सर, वो क्या है वो श्रेयांसी बहु विज्ञानी। हाँ वही, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए सर, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ? वो बंद। अरे आ गए आप लोग। राम भैया नौटंकी कहाँ है? आएगी आएगी, आती होगी। दुल्हन किधर है? अंदर है, जाके उसकी मदद करो तैयार होने में। माँ जी जरा आप भी देखभाल कीजिए। चलो लड़कियों चलो चलो चलो, चलो दुल्हन को देखें। सर सब गोलमाल हो गया। गोलमाल? नीले आसमान से बिजली गिरी, यूं ही घूमते घामते आई थी, कहती है आज रात यहीं रहेगी। तब क्या होगा, क्या होगा? नहीं सर, लेकिन एक तरह से तो अच्छा ही हुआ ना। कैसे? शादी शुभ काम है, एक दो रिश्तेदार तो रहना ही चाहिए। तुम पागल हो गए? तुम पागल हो गए हो क्या? सास और बेटी के सामने मैं दूल्हा बनूं? सर तो फिर ये शादी? शादी नहीं, अब तो मेरा श्राद्ध होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, सर गजब हो जाएगा सर। ब्राह्मण की कन्या है, मुहूर्त पे शादी नहीं हुई तो कोई उसे छुएगा तक नहीं, रक्षणीय हो जाएगी। क्यों पंडित जी? हाँ ये बात तो ठीक है। मुंह बंद। बेटा राम प्रसाद इस मुसीबत से तुम बचा सकते हो मुझे। हाँ सर कहिए क्या करना होगा, आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ये शादी तुम कर लो बेटा।
नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अभी अभी तुमने कहा ना कि मेरे लिए जान दे सकते हो। हाँ सर, जान दे सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों सर? जो लड़की आपके लायक है उससे मैं। बेटा बेटा मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो, ये शादी तुम कर लो। सर कैसे करूँ शादी, महंगाई का जमाना है और मुझे मिलते हैं सिर्फ 155 रुपए। 250 तक में भी एक आदमी का खर्चा नहीं चल सकता। नहीं, मैं तुम्हारी तनख्वाह 250 रुपए कर दूंगा। मगर सर शादी के बाद तो हम दो हो जाएंगे ना। 500 मान जाओ बेटा, मान जाओ। नहीं सर, लेकिन और क्या चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें? सर शादी के बाद तो बाल बच्चे भी होते हैं ना। ठीक है 600, और दहेज में ये जगह भी दे दूंगा। ये जगह और मकान भी। मैं जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ठीक है सर, जब आप कहते हैं तो फिर तो करनी ही पड़ेगी। बेटी तेरा नाम क्या है? कुसुम। वाह, देखने में भी बिल्कुल फूल जैसी हो। मगर आप रो क्यों रही है? शादी में लड़कियां रोती ही हैं, तेरी होगी तू भी रोएगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो गाना गाऊंगी। हाँ? राजा की आएगी बारात। लेकिन बारात कब आएगी, दूल्हा कौन है? अरे वाह, बिल्कुल दूल्हे लग रहे हो। दूल्हा या जोकर सर, दोनों में कोई फर्क नहीं होता बेटा। राम प्रसाद, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। जीते रहो बेटा, जीते रहो, मैं अभी आता हूँ। बहुत हो गया। क्या बहुत हुआ, मेरी छोटी बहन की शादी और आप एक भी नहीं लेंगे? ढाल दो। एक और लीजिए। सुमी ले, बाबा और राम भैया को मिठाई दिया और कुसुम को खाने के लिए यही भेज दे। अच्छा, मैं देती हूँ। चल नीता। चाहिए भाभी, नानी माँ बुला रही है, कुछ खा लीजिए। लीजिए बाबा, मुँह मीठा कीजिए। और आपको डबल मिठाई खिलाऊंगी राम भैया। क्यों, मुझे एक ही से डबल क्यों? एक तो ये दूल्हा है इसलिए, और दूसरा इन्होंने हमें ये शादी और नौटंकी दिखाने का न्योता दिया है। Now to Brutus, तुम भी राम प्रसाद, तुमने भी पीछे से पीठ में छुरा भोग दिया? नहीं सर, सर मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ सिर्फ अपनी सुनी की जान बचाने के लिए किया सर। वो कैसे? सर जब मैंने शादी के बारे में अपने गुरु से पूछा था ना, तो उन्होंने कहा कि ये शादी तो जरूर हो सकती है लेकिन उनकी इकलौती बेटी मतलब अपनी सुनी वो आत्महत्या कर लेगी। क्यों क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ की जगह और किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सर। सर जब भी वो अपनी माँ की साड़ी पहन के और टीका लगा के आपके सामने आया करती थी तो आप ही तो कहा करते थे ना कि उसके चेहरे में उसकी माँ का चेहरा छिपा हुआ है। पर तुम्हें कैसे मालूम? सर उसी ने तो मुझे बताया था। सर सर उसके दिमाग में उसकी माँ इस कदर छाई हुई है कि वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो तो जरूर आत्महत्या कर लेती सर। हाँ जरूर कर लेती, मुझे ख्याल ही नहीं आया। ठीक कहा है तुम्हारे ज्योतिषी ने, तुमने मुझे महापाप से बचा लिया राम प्रसाद। ये सब मेरे गुरु की कृपा है सर। बड़े गुणी आदमी है तुम्हारे गुरु, क्या नाम है उनका? स्वामी ऋषिकेश आनंद। कहाँ रहते हैं ऋषिकेश? होशियारपुर जलंधर। सर सर कहाँ चले? होशियारपुर जलंधर। सर सर सुनिए सर सर।